महासंग्राम, ये रायबरेली लोकसभा क्षेत्र है जहां पे हम मतदाताओं से जुड़ेंगे और जानेंगे कि इस बार चुनाव का क्या मत है, इन लोग का क्या मत है। सबसे पहले भाई साहब, आपका क्या नाम है? विनोद कुमार वाजपेयी। कहाँ के रहने वाले हैं? किशुनदासपुर, पोस्ट किशुनदासपुर, गांव रामपुर। लोकसभा चुनाव दो दिन बाद लोकसभा चुनाव वोटिंग की डेट आ गई है, तो इस बार रायबरेली का मत किधर जा रहा है, क्या माहौल है? बीजेपी की कौन सी नीति आपको पसंद आई? हर नीति पसंद है, जो चल रही है सब पसंद है। लोग तो कहते हैं छुट्टा जानवर वगैरह बहुत परेशान किए ग्रामीण क्षेत्र है, तो वो तो हमारे आपके हैं, सरकार के तो है नहीं, गलतियां तो हमारी हैं, क्यों छोड़ रहे हैं? नहीं, इसके पहले भी जानवर अपने ही थे, अपने ही पास रहते थे, लेकिन इस बीच तो गौ हत्या होती थी, अब वो बंद है, नहीं हो रही, चल रहे हैं। इस बार बीजेपी सरकार। दादा, आपका क्या नाम है? शिवकरण मिश्रा, रामचंद्रपुर। चुनाव सर पर है, तो क्या माहौल है, क्या रुझान है यहाँ से आ रहे हैं? माहौल तो हमको समझ में आ रहा है कि टक्कर बहुत तगड़ा है दोनों का, लेकिन ये है कि हम लोग इंडिया महागठबंधन से हैं और जो भी होगा देखा जाएगा। क्या लगता है कितने पार जाएगा आंकड़ा यहाँ का? अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या नाम भी आपका? रमेश पांडे। क्या माहौल है चुनाव का यहाँ? माहौल यहाँ बढ़िया है, एक तरफा राहुल गांधी का माहौल है, बीजेपी सरकार 10 साल से चली, लोग परेशान हुए, जानवर से भी परेशान है, रोजगार से भी परेशान है, और सरकार बदलना चाहते हैं। जैसा कि अभी जो है भाजपा का एक बड़ा प्रोग्राम था, बड़ा मंच था, अमित शाह जी आए थे और तमाम सारे बड़े नेता आए थे, जिसमें ब्राह्मण नेता जो है मनोज पांडे जी भाजपा में शामिल हुए, क्या प्रभाव पड़ता है इस पर ब्राह्मण मतदाताओं को? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, शामिल होना उनका व्यक्तिगत काम है, शामिल हो रहे हैं, ठीक है, शामिल हुए, लेकिन मतदाता अपने आप मतदान करेगा, विकास अपन हित अनहित देश का हित अनहित देख कर मतदाता मतदान करेगा, और उसमें उसको भलाई दिख रही है गठबंधन के साथ राहुल गांधी के पीछे, तो राहुल गांधी को वोट देगा। उस बार भी सोनिया गांधी को यहाँ से जिताया है। जैसा कि अयोध्या में राम मंदिर जो है सुशोभित है, श्री राम जी वहाँ पे आए हैं, भाजपा लाई है वहाँ पे तमाम अथक प्रयासों के बाद, क्या आप दर्शन करने गए रामलला के? रामलला के दर्शन करने के लिए अभी हम नहीं पहुँच पाए, लेकिन रामलला को भाजपा नहीं लाई कि भाजपा लाई है, ये कोर्ट के द्वारा आदेश लो, लोग लो, कहते तो है कि जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे, लोग नहीं कहते, ये केवल बीजेपी कहती, लोग जनता नहीं कहते कि हम उनको लाएंगे, ये उनका नारा है और वो नारा कुछ दिए वो जनता का काम नहीं है। जैसा कि देख सकते हैं स्थितियां साफ साफ होती जा रही हैं, तो हमारे साथ तमाम सारे मतदाता इकट्ठे हैं जो हमसे बात करने के लिए तैयार हैं। चुनावी मुद्दे को हम आगे बढ़ाएंगे और सबसे पहले जो है आपको परिचय बताएं। हमारा नाम दिनेश सिंह है, हम जो है कमोली ग्राम सभा से हैं और इंडिया गठबंधन के साथ हैं, और आज से 10 साल से यहाँ की जनता इतनी त्रस्त हो गई है कि बेरोजगारी, युवाओं के लिए जो है कोई व्यवस्था, नौकरी नहीं है, किसान की आय दोगुनी करने आए थे और छोटा जानवरों ने खेत को चरा लिया, समझे, और आज जो है वो बिल्कुल परेशान है, यहाँ तक कि यूरिया में 5 किलो कम कर दिया गया, 5 किलो कम कर दिया गया, DAP के दाम बढ़ा दिए गए, महंगाई की उतनी चरम सीमा पर कर दिया गया कि कांग्रेस के पीरियड में डीजल 55-60 का था, आज जो है 100 पार हो गया, ये पोजीशन है, हालात बहुत बुरे हैं, समझे, महंगाई से लोग परेशान हैं। इन्होंने शुरुआत में कहा हम विदेशी कर्ज को लाएंगे, उसको नहीं लाए, 0 बैलेंस पर अकाउंट खुलवा दिया, उसके बाद जो है उसमें 15-15 लाख देने का वादा किया, वो भी नहीं दिए, किसान बेरोजगारों को बेरोजगार कर दिया, इनके पेपर लीक हो गए, पेपर इस तरह से पेपर लीक हो जाते, जब ये स्वयं लीक हैं तो बाकी तो लीक है ही अग्निवीर वाला जो चल रहा है मामला, इस पर क्या करना है? अग्निवीर जो है, ये अग्निवीर तो इस तरह का है कि 18 साल का लड़का अब 22 साल में रिटायर 4 साल में कर दिया जाता है, अगर उस वो बॉर्डर पर शहीद हो जाए तो उसको जो है कोई भारत का ग्रेट मिलने वाला नहीं है, समझे, और ये 75 साल के हैं और कह रहे हैं आपकी बार है, और ये है इनकी सत्ता में सरकार। 75 साल वो तो भाजपा खुद ही कह रहे थे कि प्रधानमंत्री हट जाए। 18 साल का बच्चा इस नौकरी में क्या है भाई, इस नौकरी में क्या है, आप जो है भर्ती करते, इन्होंने कहा 2 करोड़ जनता को हम रोजगार देंगे, समझे, आज इनका रोजगार कहाँ चला गया, इस तरह से परेशान होगा, बेकारी की बिल्कुल एक वो जाहिर कर दिया इन्होंने, 15 लाख उम्मीदा थी
जनता को कितनी उम्मीदें थी, आज ये नार्थक बिल्कुल सरकार हो गई। तो 15 लाख रुपया खाता में आवा कि नहीं आवा आप लोग? वही तो मैं बताया कि इन्होंने झूठ बोला। एक प्रधानमंत्री होके हमारे देश का, वो हर बात झूठ। गारंटी इनकी यही है, कुछ करना नहीं इनको, ये 10 साल झूठ बोले। अच्छा, जो अब जैसे भाजपा कहा कि 75 साल में जो है प्रधानमंत्री चेंज कर दी जाए, तो 74 साल की मोदी जी हो गए हैं। अब वादा तमाम सारे कर रहे हैं, तो अगर ये अगले साल 75 की हो जाए तो मतलब प्रधानमंत्री न रही है तो कहाँ रहेंगे? अमित शाह को बना देंगे? वादा को पूरा करी वादा को पूरा करी। वादा कहाँ पूरा करना, इनको झूठ बोलना है, इनको वादा पूरा करना नहीं है। ये तो सुनो, जनता की सुनो, ये अब चमड़ी वसूल लिया, अभी तक ये पोजीशन रही। बिजली का बिल 2-3 गुना आ रहा है, समझे? बिजली का बिल आज लोग दे रहे हैं, उनका बिल नहीं खत्म हो रहा। और सुनो, अब तो जो है वो पानी लगा, पानी टोलिंग वाला दे रहे हैं, उस पर भी बिल। ये किसान मतलब सरकार इस तरह की है कि ये खुद क्या दे, ये लोगों से वसूल रही है, ये पोजीशन है। लेकिन रायबरेली तो छत्री प्रत्याशी है, आपकी बिरादरी के हैं, तो आपको सपोर्ट करना चाहिए। नहीं, वो उन्होंने जो है वो BDC और प्रधानों से संबंध रखा है, समझे? और उनको उनको कोई विशेष करके फील्ड में भी नहीं जानता, समझे? इसलिए जो है वो यहाँ जो है वो गांधी परिवार जो है हमेशा सदैव से रहा है, उसी पर विकास निर्भर रहा है। अभी हमारे जो है माननीय सोनिया जी थी, उन्होंने सारे किसानों का कर्ज माफ़ किया, और जो कुछ देती हैं वो कांग्रेस पार्टी के सिवा कोई दे नहीं सकता। अच्छा, आपकी इस बार जो है भाजपा कांग्रेस के बीच में कितने वोटों का अंतराल रहेगा जीत का? भाजपा और कांग्रेस में, कांग्रेस ने यहाँ कोई काम नहीं किया, बेरोजगारों में पहुँचा दिया, क्या हुआ अंतराल? बीजेपी कांग्रेस की अगर बात की जाए तो वोटों का अंतराल जीत का क्या रहा? अंतराल तो यह है कि अपनी जबानत बचाने से बड़ी बात कौन? भाजपा कांग्रेस पार्टी। जैसा कि आप देख सकते हैं, आक्रोश भी है लोगों के भीतर, और लोगों से हम जुड़ेंगे और जानेंगे वास्तविकता क्या है, चुनाव का क्या माहौल है। क्या नाम भैया? डॉक्टर विकास। क्या माहौल है चुनाव का? इसमें चुनाव तो हमारे यहाँ जो देखने में आ रहा है, युवाओं का रुझान है और जो भी है पूरे क्षेत्र का, वो कांग्रेस के पक्ष में एक तरफा मतदान। कांग्रेस की ऐसी क्या चीज़ें आप लोगों को पसंद आ रहे हैं जो कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं? हम लोग 2014 में जब मोदी जी आए थे, उन्होंने जब झूठ बोलना शुरू किया तो युवाओं को बहुत ही मतलब ऐसा सपना दिखाया गया कि उनको लगा कि नहीं, 10 साल में जो है जापान अमेरिका ये सब पीछे हो जाएगा। स्मार्ट सिटी का जो सपना दिखाए थे आप जान ही रहे हैं क्या है, पूरे देश में एक स्मार्ट सिटी नहीं बनी। बुलेट ट्रेन का जो दिखाए थे वो भी नहीं बना, बल्कि इन्होंने 22 उद्योगपति बना दिए, जो एकदम सबसे छोटे थे देश में वो सबसे बड़े उद्योगपति हैं। 16 लाख करोड़ रुपए उनका कर्ज माफ़ करके भारत सरकार, जो जनता का पैसा था खजाने का, उनका कर्ज माफ़ कर दिए। और उसके बाद नौकरियों को जो है ये संविदा पर करते जा रहे हैं। 21 साल का लड़का सिर्फ 4 साल नौकरी करे, और 75-75 साल का नेता वो अमरते दम तक प्रधानमंत्री बनना चाहता है, वो उनकी पॉलिसी है। इस वजह से युवाओं में भारी आक्रोश है, और रायबरेली ने पूरी तरीके से मोदी की सारी योजनाओं को नकार दिया है। कोई भी युवा, कोई भी बुजुर्ग, किसान, नौजवान नहीं चाहता कि ऐसी सरकार देश में दोबारा कभी आए। तो इस बार बदलाव, रायबरेली जनता बदलाव चाहे? बदलाव तो ऑलरेडी वो दिखाई पड़ रहा है, मीडिया भी देख रही है, सोशल मीडिया भी चल रहा है, जनता जान गई है। लेकिन जो अंधभक्त है उनको अभी समझ में नहीं आ रहा है, वो 4 तारीख को समझ में आएगा। जैसा कि देख सकते हैं तमाम सारे युवा भी हमारे साथ हैं, और लोगों से जुड़ेंगे और जानेंगे कि वास्तविकता चुनाव की क्या है। क्या नाम भैया आपका? मैं ब्लॉक प्रमुख रोहनिया राकेश वासी। किस पार्टी से? कांग्रेस। तो क्या क्या लगता है कि आपकी पार्टी इस बार कैसा चुनाव लड़ रही है? चुनाव पार्टी नहीं, चुनाव तो इस बार जनता लड़ रही है। बिल्कुल। हम लोग जाते हैं क्षेत्र में तो लोग बोलते हैं आप भैया क्यों परेशान हो, वोट तो हम लोग खुदे देंगे। इतनी भारी बहुमत से राहुल गांधी जीतेंगे कि इतिहास बन जाएगा, कभी इतने वोटों से नहीं जीते होंगे, कोई कम से कम 5 लाख वोट। बताया जा रहा है कि आप तो पहले समाजवादी के सच्चे सिपाही थे समाजवादी पार्टी के, क्या चीज़ें आपको पसंद नहीं है जो समाजवादी का दामन छोड़ के कांग्रेस में शामिल हो गए, पांडे जी को छोड़ के? मैं लोकसभा चुनाव में हमेशा मैं किसके साथ थे, समाजवादी के साथ थे कि मनोज पांडे जी के साथ? मैं मनोज पांडे के साथ था। कांग्रेस का दामन आपने थाम लिया, वो BJP में चले गए, तो क्या आप भी BJP में जाएंगे या फिर कांग्रेस में? नहीं, BJP में नहीं जाऊंगा। क्या क्यों नाराज? मुझे पसंद है कांग्रेस, इसलिए मैं कांग्रेस में रहूंगा, नहीं जाऊंगा BJP में। दादा क्या नाम है आपका? कमलेश यादव नाम। चुनाव का क्या माहौल है रायबरेली का? चुनाव का माहौल यही है कि पूरा कांग्रेस कांग्रेस है यहाँ, BJP कुछ नहीं है यहाँ।
छुट्टा जानवर अबे बैठे हैं हम शाम का 6 बजे से रात 2 बजे तक ताका करी नाइट ड्यूटी एकदम लगी है। तो दादा सोवत कब हुई हो फिर? कहाँ सोवत है, पूरी ठंडी तो मंजे आगी आगी जला के बैठ रही थे बगिया में, खेते खेते घूमा करी थे साइकिल ली है। तमाम सारे भाजपा सरकार में तमाम सारे गौशाला भी बने उनके छुट्टा जानवर है, कहाँ दिखाई दे तमाम गौशाला बन पता पता ही नहीं, नहीं यहाँ तो सब छुट्टा जानवर घूम रहे स्टेशन में ढील के चला जा। आसपास गौशाला ग्राम पंचायतों में गौशालाएं नहीं बनाई गई? ग्राम पंचायत में गौशाला बनी तो है, हुआ इतने भरे हैं कि वो खुदे भूखन मर रहे हैं, चारे भूसा नहीं है। गौशालाओं की स्थिति इतनी जर्जर कि वहाँ पे भूखे जानवर मर रहे हैं, गौवंश भूखे मर रहे हैं। हाँ भूखे मर रहे हैं, इसीलिए लोग अपना छुट्टा जानवर छोड़ रहे होंगे। जैसा कि स्थितियाँ देख सकते हैं तमाम सारी स्थितियाँ साफ होती जा रही हैं। हमारे साथ और भी तमाम सारे मतदाता हैं, वोटर हैं, जिनसे हम जुड़ेंगे और बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष मिश्रा पप्पू है। कहाँ रहने वाले हैं? मैं जनपद कौशाम्बी से हूँ जी। तो ये रायबरेली है, यहाँ पे लोकसभा चुनाव चल रहा है, पूरे उसमें चल रहा है, क्या 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 रुझान आ रहे हैं, किसकी सरकार इस बार बनेगी? इस समय गठबंधन की सरकार बन रही है और गठबंधन की सरकार कई मुद्दों से बन रही है। यहाँ तो कोई लड़ ही नहीं रहा है, पुतला बना के किसी को बीजेपी खड़ा कर दे, जो सुनने में आया है। मैं आज 6 दिन से यहाँ हूँ जी, लेकिन देखा हूँ कि जो हवा इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राहुल गांधी जी की है वो किसी की नहीं है। यहाँ वो लोग बता चर्चाओं में है कि वो 5 लाख से जीत रहे हैं, जबकि मैं अनुमान लगाया हूँ कि यहाँ एक तरफा चुनाव है, शायद भाजपा प्रत्याशी की जमानत भी जब्त हो। और ये काम यहाँ की जनता कर रही है और यहाँ का चुनाव माननीय राहुल गांधी जी नहीं लड़ रहे हैं, यहाँ की चुनाव हर क्षेत्र की जनता, किसान लड़ रहा है, बेरोजगार युवक लड़ रहा है, महंगाई से लड़ने वाला हर नागरिक लड़ रहा है। जैसे कि गारंटी कार्ड में बताया गया कि जो है तमाम सारे महंगाई से निजात दिलाने के लिए 8,500 रुपये महीने महिलाओं को दिए जाएंगे, तो क्या सरकार बनने के बाद ये सब संभव हो पाएगा? ये संभव होगा क्योंकि हमारा हम लोग जहाँ पे जिस प्रदेश में जिस प्रांत में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ गया तो नहीं हूँ, लेकिन सुनने में आपके माध्यम से ही, मीडिया के माध्यम से ही आता है कि वहाँ चालू हो चुकी है, वहाँ स्कीमें दे दिए हैं। अब जैसे हम जब हमारी नौकरी करने की आयु है उसको आप घटा दे रहे हैं, और वैकेंसी तब निकाल रहे हैं जब आयु पूरी हो रही है, और वो भी अगर हो भी गया तो अग्निवीर है, 4 साल में हम कमा लें 70 साल कैसे खाएंगे? कोई हम नेता तो है नहीं कि हम जमा करके पूंजी भेज दिए, साला विदेश में इकट्ठा है, बाद में मंगा लेंगे। और लड़का बच्चा है, लड़ुआ तो हूँ नहीं योगी मोदी की तरह साला, ये है अगर बच्चे हैं तो स्कूल भेजना है, यह तो है नहीं है 2 पेट की खाए कहे, 2 सेट कपड़ा पहने चाहे करोड़ को पहनी, हमको तो ये है कि परिवार चलाना है तो कपड़ा सस्ता पहन लो भैया, कौन हमका पोज जमा हुआ तो चेहरा तो आदमी देखबे करी फलानी। अच्छा आप भी ब्राह्मण हैं? हाँ। ब्राह्मण के बड़े चेहरा है डॉक्टर मनोज कुमार पांडे, जो भाजपा में शामिल हुए, बड़े मंच पे कल अमित शाह जी ने शामिल कराया है, तमाम सारे कद्दावर नेता भी भाजपा के थे, क्या लगता है ब्राह्मण मतदाता किस ओर जाएगा? देखिए वो उनकी विचारधारा थी, वो नहीं चाहते थे भाजपा में जाना, जो हमको सुनने में आया। अब कोई को जबरदस्ती मुकदमा दे के ही आप कह दो कि मैं पेल दूंगा संध्या तक, या आपको फलाने जगह फंसा दूंगा, तो मजबूरी है कि हमको जाने है भैया, चलो आई थी, लेकिन मैं उनके साथ हूँ, मैं उनके साथ हूँ, तो मैं नहीं गया हूँ, आप गए हैं जाइए, तो आप अपनी वोट दे देंगे ना, हमारी वोट के तो हकदार आप है नहीं, वोट तो हमका वोटे में देख है, फट्टी के भीतर बढ़िया पैक हो के, तो बटनिया तो हमका दावे करना, आप गंदबी हो ना, तो आप तो जय हो, तो जय सीताराम है भैया। जैसा कि देख सकते हैं तमाम सारी स्थितियाँ साफ होती नजर आ रही। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रवरी चौधरी है। रायबरेली के चुनाव पर क्या कहना चाहेंगे? रायबरेली का चुनाव पे यहाँ पर हमेशा गांधी परिवार की छत्र छाया रही है, और गांधी परिवार का जब से छत्र छाया हुई है यहाँ के लोग हमेशा खुशी थे, लेकिन भाजपा के बहकावे में आके, मोदी के झूठे भाषण में आके यहाँ के लोग थोड़ा सा इधर उधर हो गए थे, और फिर इस बार यहाँ की जनता फिर जो है राहुल गांधी को जिताने की ठान ली है, और राहुल गांधी जीत के आएंगे। अच्छा यहाँ लोग कहा कि सांसद जो है सोनिया गांधी सांसद नहीं, 5 साल आई नहीं, लोगों ने भी तो बड़ा गुस्सा भी है, तो क्या ये बात सही है? आपको ऐसा लगता है यहाँ की जनता को देख के कि लोग गुस्सा हैं? ये मीडिया कह रही है और भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं, ये यहाँ की जनता तो नहीं कह रही। हमारे साथ और साथ तमाम सारे लोग हैं जिनसे जुड़ेंगे और चुनावी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। क्या नाम भैया आपका? रावेंद्र प्रकाश रवि, मैं पूर्व प्रत्याशी शहर पश्चिमी इलाहाबाद से हूँ जी। जी
इस लोकसभा चुनाव चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे लोकसभा चुनाव? देखिए, लोकसभा चुनाव चल रहा है, हमारे राहुल गांधी जीत रहे हैं। ये आज देश, अपने देश में नहीं पूरी दुनिया में एक नंबर के नेता अगर कोई है तो वो राहुल गांधी है। पूरा विश्व राहुल गांधी और गांधी परिवार का लोहा मानता चला आ रहा है। जो आयरन लेडीज उनके खानदान की रही हैं, जो उन्होंने करके दिखाया है भारत को, राहुल गांधी में एक सिफत है। आप देखिए, जो हमारे विरोधी पार्टी के तमाम, आज पीएम की मैं बात कर रहा हूँ, वो हाथ आप काले और गोरों के चीन के मिलाते हैं। राहुल गांधी हमारा चलता है पैदल, गरीब के बच्चों को उठा लेता है। लोग उल्टी करते, उन्होंने अपना पैर नहीं उठाया है इस पद यात्रा में, आपने देखा है उन्होंने 4000 किलोमीटर चले हैं। वो राहुल गांधी है। राहुल गांधी को इस भारत देश की और भारत देश के नौजवान और यहाँ की जनता और यहाँ की गरीबी को देखकर वो राजनीति कर रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको ये बता रहा हूँ, जो 24 घंटे काम कर रहा है आज 10 साल से। हम लोग काम करते हैं 8 घंटे काम करते हो, थक जाते हो, सो जाते हैं, फिर सुबह की नींद उठती है तो फिर काम पे चलते हैं। और जो रात दिन काम कर रहा है 10 साल से, क्या उसको हम आराम देने के लिए नहीं चाह रहे हैं? तो मैं ये कहता हूँ कि मोदी जी को अब 10 साल ये रात दिन चल चुके हैं, अब इनको सोने का वक्त आ गया है, ये अपने आराम से सोएं। इस बार जनता बदलाव चाहती है, जनता बदलाव पूरे देश में चाह रही है, आप देख रहे हैं। और कोई सवाल? जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्थितियां बिल्कुल साफ होती जा रही हैं, कड़ी दर कड़ी हम मतदाताओं से जुड़ते जा रहे हैं। जो तमाम सारी पार्टी के समर्थक भी अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। भैया, आपका क्या नाम? बरसाती लाल पंडा। कहाँ के रहने वाले? कौसाम्बी से। तो रायबरेली में हैं आप, इस समय चुनाव चल रहा है, 2 दिन बचे हैं यहाँ वोटिंग के, तो कैसा लग रहा है यार रायबरेली का माहौल? यहाँ का माहौल बहुत अच्छा लग रहा है, हम कई जगह घूमे भी हैं, लोगों से मिले भी हैं। वो जिधर भी जाते हैं सब लोग केवल एक ही नाम लेते हैं, गांधी परिवार का, जो उनका रायबरेली और अमेठी से जो है बहुत पुराना रिश्ता है, लगाव भी है। गांधी परिवार का ये जो क्षेत्र नहीं है, वो इनका परिवार है, एक घर है। कौसाम्बी और अमेठी को, वो प्रतापगढ़ को, अमेठी को और रायबरेली को वो अपना घर समझते हैं। यहाँ की जनता को जो है एकदम अपने से जोड़कर ही रखते हैं, और कोई राजनीतिक बात बहुत ज़्यादा नहीं करते वो यहाँ रायबरेली में आकर। कितने दिन से हैं रायबरेली में आप? हम यहाँ लगभग 6 दिन से हम लोग लोगों के बीच जा रहे हैं। हाँ, हम लोग यहाँ 6 दिन से लगातार जो है राहुल गांधी जी के पक्ष में जो है हम लोग जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। और यहाँ की पूरी जनता एक ही बात कर रही है कि राहुल गांधी जो है लगभग 5 लाख से अधिक मतों से विजयी हो रहे हैं। एकदम क्लियर है चुनाव रायबरेली में कांग्रेस पार्टी? हाँ, एकदम। कितने का आंकड़ा जाएगा, कुछ आइडिया है? लगभग अंदाजा नहीं मिल पा रहा है कितने वोटों से वो जीतेंगे, यही आंकड़ा नहीं मिल पा रहा है। और भाजपा का यहाँ से जमानत जब्त हो जाएगा, उनको जो है प्रत्याशी जो भी है भाजपा का, दिनेश सिंह सुन रहे हैं कोई नाम उनका, तो पूरे लोकसभा में कोई उनका नाम ही लेने वाला नहीं मिल रहा है, और जनता से मिल ही नहीं पा रहे हैं वो। भैया, क्या नाम है आपका? हमारा नाम ब्रजेश कुमार, ग्राम चौंडाई रहने वाले हैं, यही उचार विधानसभा रहने वाले। हाँ, तो हम लोग बाहर रहते थे, 25 साल काटा हूँ, और इंडियन के कंपनी को ताला लगाए हैं, विदेश की कंपनी ला रहे हैं, और यहाँ जो किसान उपजाऊ है, खराब जमीन है उसमें नहीं लगा रहे हैं, किसानों की जमीन में, अच्छी जमीन में फैक्ट्री बेच रहे हैं। तो यहाँ पब्लिक का विदेश के आगे विदेशी के गुलाम होंगे कि यहाँ का चाहते हैं, यहाँ कंपनी लगना चाहिए ना, जो ताला बंद है। इन्हीं सब बातों से आप लोग नाराज हैं। और इस बार किसको वोट करेंगे? हम कांग्रेस करेंगे, पहले किया अभी भी करेंगे। और जो कह रहे हैं कांग्रेस नहीं आ रहे हैं, कांग्रेस आ रहे हैं, किसान निधि से काम के लिए दे रहे हैं, उनका काम कार नहीं होने पा रहा है, वो दबा दे रहे हैं, भाजपा काम धाम आगे बढ़ा रहे हैं। तो स्थितियां साफ होती जा रही, बिल्कुल स्थितियां लगभग क्लियर हो चुकी हैं। हम अगले कार्यक्रम तमाम सारे लोगों से जुड़ेंगे। अभी भी हमारे साथ कुछ मतदाता हैं जो हमसे बात करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। बताएं, क्या नाम है आपका? राम सागर नायक। क्या कहना चाह रहे हैं लोकसभा चुनाव? हम ये कहना चाह रहे हैं, कांग्रेस हमारे यहाँ से बाप दादाओं के आगे से यहाँ जीत होती आई है, और कांग्रेस ने यहाँ करके दिखाया है। रायबरेली का आधा जिला कांग्रेस से पल रहा है, जैसे NTPC, रेल कोच, ITI, जितने ठेकेदार, जितने लंबरदार बने हैं, सब आज कांग्रेस की बदौलत बने हैं, और कांग्रेस 5 लाख के ऊपर पार जाएगी। रायबरेली का कांग्रेस से कैसा रिश्ता रहा है? क्या पुराना रिश्ता है, माँ बेटे का जैसा रिश्ता है रायबरेली का कांग्रेस से। इस वजह से रायबरेली की जनता कांग्रेस की तरफ झुक रही है? जी, पूरा
एक तरफा वोट कांग्रेस का है यहाँ पे। यहाँ पे हमने तमाम सारे मतदाताओं से बात की, आपने देखा कि स्थितियाँ बिल्कुल साफ होती जा रही हैं, अधिकांश लोग कांग्रेस के पक्ष में, इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा रहे हैं। हम और भी कार्यक्रम करेंगे और तमाम सारे मतदाताओं से जुड़ेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। सूरज शुक्ला, सारस में लाइव टीवी, रायबरेली।